नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइज, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से सोलर सिस्टम का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो भी 9 पॉइंट की हेल्प से। आपको एक बड़ी सी स्केल लेनी होगी, छोटी वाली है तो छोटी वाली ले लीजिएगा, बड़ी वाली है तो बड़ी वाली ले लेंगे। आपको यहाँ पर ऐसे स्केल रखना होगा और 2-2 सेंटीमीटर का ऐसे पॉइंट लगाते जाना होगा। पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों, हमें लेना है कंपास, ले लीजिएगा। इसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से दिखेगा। पहले तो यहाँ पर एक आप ऐसे आर्क लगा देंगे, ये वाला पोर्शन आप ऐसे लगा दीजिएगा आसानी से। फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर लगाएंगे, सेम आप आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, एक आर्क आप इधर लगा दीजिएगा, फिर आगे की तरफ भी बढ़ाएंगे। इससे आसान आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा दोस्तों। इसको बढ़ाइए, ये वाला पोर्शन देखिए थोड़ा सा आगे नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाने की कोशिश करते हैं। इधर इस पॉइंट पर बढ़ाइएगा, इधर बढ़ाएंगे, इससे आर्क लगा देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर्क लग गया है। अब देखिएगा हमें करना क्या होगा। पहले तो हम यहाँ पर पहला ग्रह बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप इधर एक ऐसे राउंड वाला हमारा ये आता है, इसकी हेल्प से आप आसानी से एक छोटा सा सर्किल इधर बना दीजिएगा। फिर दोस्तों, एक इससे बड़ा सर्किल हम यहाँ पर बनाएंगे। और गाइस, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको हमें इन सारे ग्रह के नाम अगर आपको इंग्लिश में पता है तो आप नंबरिंग करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम हिंदी में यहाँ पर नाम तो लिखेंगे, आपको बस इंग्लिश में इसका नाम कमेंट करके हमें बताना होगा। फिर दोस्तों, इधर हम बना देते हैं, तीसरा वाला हमारा आ जाएगा। पहला तो हमारा बुध ग्रह है, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा आ जाएगा पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बना देते हैं अपनी पृथ्वी, ये हो गया। पृथ्वी बनाने के बाद इधर हम आ जाते हैं मार्स को बना देते हैं, यानी सॉरी मंगल ग्रह को, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप इंग्लिश में इसका नाम कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर हम बना देते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बनाने के बाद अब हमें बनाना है जुपिटर ग्रह, सॉरी बृहस्पति ग्रह, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बृहस्पति ग्रह, ये हो गया हमारा बृहस्पति। इसके बाद आ जाता है हमारा शनि ग्रह। शनि ग्रह यहाँ पर बनाइएगा, ये वाला पोर्शन आप इधर ऐसे ले जाएंगे, फिर ये बढ़ा दीजिए, शनि हो जाएगा। शनि को बनाने के लिए इधर से यहाँ पर करेंगे, इधर भी बढ़ाइएगा, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये वाला पोर्शन आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद पृथ्वी पर भी आप इधर इधर बढ़ाएंगे, ये बढ़ाइए, यहाँ पर ऐसे आसानी से कर दीजिएगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा अरुण। अरुण ग्रह बनाने के लिए थोड़ा छोटा रहेगा, इधर से ये हो गया अरुण ग्रह। और लास्ट में हमारा आ जाता है वरुण। वरुण बनाने के लिए आप सबसे छोटा यूज कर लीजिएगा, ये हो गया वरुण ग्रह। तो चलिए दोस्तों, इसके हम नाम यहाँ पर अभी दिखेगा, अभी सन बनाना तो बाकी रह गया, तो चलिए सन भी बना लेते हैं। यहाँ पर आप एक बड़ा सा सन बना देंगे, ये वाला पोर्शन ये वाला बना लीजिए। यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से ऐसे एक आर्क लगा देते हैं, फिर दोस्तों इधर हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए आसानी से ऐसे बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए इसके नाम लिख लेते हैं और साथ में कलर भी करना सीख लेते हैं।